अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर। एमपी के बैतूल में नकली जेवर बेचने वाले एक ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जहां दो महिलाओं को नकली जेवर बेचते हुए सराफा व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है, जहां पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए नकदी और नकली जेवर जब्त कर मामले की जांच शुरू की है। दरअसल बैतूल के सराफा बाजार में उत्तर प्रदेश की रहने वाली दो महिलाएं अपने मासूम बच्चों के साथ घूमकर चांदी के पायल बेचने की फिराक में थीं। एक ज्वेलर्स को उन्होंने 250 ग्राम चांदी की पायल बेच दी, लेकिन इन महिलाओं के जाने के बाद जब दुकानदार को संदेह हुआ तो उसने पायलों की जांच की तो ये पायल नकली पाई गई। इसके बाद महिलाओं की तलाश शुरू की गई, जहां एक महिला को तो पकड़ लिया गया, वहीं दूसरी महिला जो भाग रही थी उसे बस स्टैंड के पास से पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली इन महिलाओं के पास से 26,000 रुपए की नगद राशि और ज्यादा मात्रा में चांदी के नकली आभूषण बरामद किए गए हैं। इस गोरख धंधे में एक महिला का पति भी शामिल था, उसकी तलाश की गई लेकिन वो भाग निकला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये महिलाएं सवेरे से ही सराफा बाजार में घूम रही थी और मेरे यहाँ भी अलंकार ज्वेलर्स पे आई थी, धनश्री ज्वेलर्स पे आई थी कि हमको ये चांदी की पायलें हैं जो कि 0% की आती है, गिलट की आती हैं और वो बेचना है, तो हमने भगा दिया, हमने बिल लेके आइए आप और बगैर उसके हम खरीदेंगे भी नहीं, रखेंगे गिरवी भी नहीं रखेंगे। तो ये बाजार में घूमते घूमते ये जय ज्वेलर्स पे पहुंची और वहाँ पर इन्होंने वो पायलें बेच दी और वहाँ पर जब उन्होंने चेक किया तो पायलें 0% चांदी की निकली। तो उन महिलाओं को ढूंढने का जो क्रम चालू हुआ तो एक महिला तो हमें यहीं पर ही रास्ते पे घूमती हुई मिली, दूसरी को हम लोगों ने सभी ने, सराफा वालों ने, पुलिस वालों ने, सबने बस स्टैंड पे उस महिला को पकड़ के लाया है और उन्हें थाने में पहुँचा दिया गया है। कितना सामान था? ये करीबन 250 ग्राम की दो पायलें थी वहाँ पर, और भी उनके पास दूसरी जो महिला थी उसके पास से भी बहुत सी पायलें मिली है जिसे पुलिस ने वहाँ जब्त किया हुआ है और उनको पकड़ के रखा हुआ, हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। ऐसा पता चला था कि दो महिलाएं बाहर की जिनके साथ बच्चे भी हैं, वो अपना कोई सोना चांदी का सामान या ऐसे कोई जेवर, नकली जेवर बेचने के लिए सराफे में घूम रही हैं और कहीं उन्होंने वो नकली कोई आभूषण दिया होगा और नकली जैसा लगा होगा। जो हुलिया हमको मिला था उस हुलिया के आधार पर देखा तो वो दो महिलाएं हमको मिली। फिर इसके घर के लोगों को तलाश करा तो एक का हस्बैंड जो था वो गायब हो गया, हमने काफ़ी तलाश करी नहीं मिला। फिर शाम को इनको लेके हम आए, दोनों के साथ बच्चे हैं और इनके जो वो गोटा पायल चांदी जो बोलते हैं वो मतलब 1-4% किसी में जो होती होगी, बाकी पूरा वो गिलेट टाइप एक उस टाइप की धातु है। तो ये शायद इस प्रकार के यूपी की महिलाएं हैं, यहाँ आने का कोई ज़्यादा उचित कारण नहीं बता पा रही हैं। हस्बैंड इनका भाग गया है, बैतूल में ये क्यों उतरी रात में, ये पिछली रात बैतूल उतरी थी रात 10 बजे बस स्टैंड पे और फिर उतर के रही, यहीं क्यों उतरी और फिर यहाँ से अगर सुबह वो उठ गई थी तो निकल के क्यों नहीं गई, तो इस मुद्दे पे इनकी जानकारी ली है और जब तक तस्दीक नहीं होगी तो हमने जो संभावित जो इनके पास सामग्रियां मिली हैं और पैसे मिले हैं लगभग 26,000 रुपये और वो जो भी नकली आभूषण बोले या चांदी जैसे स्वरूप रंग के वो जो हैं सारे हमने जब्त किए हैं, उनकी जांच सरसरी तौर पे जो दिखवा के करवाई तो नकली मिल रहे हैं और प्रमाणिक उनकी जाँच होगी और अगर ये प्रमाणित कर देंगे कि इनका है अपना है और इस इतनी तादाद में लेके घूमना, कोई दुकानदार नहीं है, विक्रेता नहीं है, फिर ये रखने का कुछ न कुछ गड़बड़, तो कस्बे के लोग उस इस प्रकार के फ्रॉड से बच गए। समय रहते पुलिस ने इनको रख लिया, छोटे बच्चे हैं तब उसके लिए माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेगी वो काम होगा और हम भी कोशिश करेंगे कि पूरा तस्दीक आखिर बैतूल से इनका क्या कनेक्शन है, हमने करा है, कोर्ट भेज रहे हैं, माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगी पता चल जाएगा। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर।